ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चों? आई होप एवरीवन इज़ फाइन, परफेक्टली फाइन, राइट? सो हम लोगों ने काफ़ी कॉम्बैट के लिए काम किया है ना, लास्ट पूरे वीक में काफ़ी अच्छे से काम किया इनफैक्ट, राइट? एंड आज फिर हम लोग दोबारा से अपने एनसीईआरटी सारांश सीरीज पर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं. हालांकि मैं कॉम्बैट के लिए तुम लोगों को कल शाम को इवनिंग में पूरी मैराथन ले रहा हूँ. प्लांट किंगडम आ रहा है ना तुम लोगों का, जो बच्चे ड्रॉपर हैं है ना, तो प्लांट किंगडम आ रहा है. तो प्लांट किंगडम जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल, प्लांट किंगडम उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल जो बच्चे किस क्लास में हैं, 12th में, और इस साल नीट देने वाले हैं. तो दैट्स वाई प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट हो गया. प्लांट किंगडम ड्रॉपर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो इस बार नीट में आने वाला है. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन, प्लांट किंगडम इस बार ड्रॉपर्स के कॉम्बैट में आ रहा है. तो आई एम होपिंग लाइक कि सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया. तो कल शाम को 6 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कहानियों को प्रॉपर सिस्टमेटिक, और छा जाएंगे. प्लांट किंगडम का एक भी कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए, ताकि आप चीजों को बिल्कुल 6 बजे डॉट बैठ जाना. यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो जाएगी 6 बजे, और उसको हम 3 घंटे 4 घंटे जितना भी जाना है, ठीक है? क्योंकि मुझे एवरी सैटरडे ये चीज याद कर लो, एवरी सैटरडे बच्चों तुम लोगों के लिए मैं कोई ना कोई मैराथन लेकर आऊंगा, ताकि एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो, और उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज भी नेक्स्ट वीक में कर लेंगे. तो मैंने कंप्लीट वीक का शेड्यूल अपने प्रोफाइल में डाल रखा है. कहाँ पर? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर. जो मेरी प्रोफाइल सर्च करोगे किस नाम से, एटी सर के नाम से मिलेगी वहां पर. तो वहां जाओगे तो मेरी प्रोफाइल में तुम देखोगे कि 14th ऑफ दिसंबर तक आपका कंप्लीट अनअकैडमी कॉम्बैट का सिस्टम वहां पर ऑलरेडी दे रखा है, कि किस दिन किस टाइम मॉर्निंग में 8:30 8:30 के आसपास में, और शाम को 5 बजे कभी कभी 6 बजे. तो यही दो टाइम हम लोगों ने वहां पर रखा है, तो टाइम से आ जाना. ठीक, कल प्लांट किंगडम करेंगे, ठीक है? सिस्टमैटिक. चलो शुरू करते हैं कहानियों को. और मुझे सारे बच्चे जानते ही हो, माय नेम इज अनुराग तिवारी. आपको अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ. साथ साथ में जो बच्चे मेरे साथ या फिर अन अकेडमी के साथ में जुड़ना चाहते हैं सिस्टमैटिक फॉर्म में, बच्चों सिस्टमैटिक फॉर्म में, और वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई इन 5 महीनों में इतनी बेहतरीन हो जाए कि उनका सिलेक्शन कन्फर्म हो, तो दे कैन ऑप्ट फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन. अन अकेडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, जहां पर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर, आप इंस्टीट्यूट का नाम लो और वहां के किसी टॉप टीचर का नाम लो, अन अकेडमी पर आपको किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड आपको मिल जाएगा. हर जगह के टीचर हैं, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के अन अकेडमी पर. हर कोई अन अकेडमी से जुड़ना चाह रहा है, राइट? और उनसे पढ़ने का मौका सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ में. एक सब्सक्रिप्शन लो, ये नहीं कि सिर्फ एक बैच में गए हो सब्सक्रिप्शन से, तुम किसी भी बैच में जा सकते हो. दिस इज द बेस्ट थिंग, है ना? डेली क्लासेस उस बैचेस में, तुम किसी भी की क्लासेस, एक बैच ज्वाइन कर लिया, डेली क्लासेस चल रही, एक साथ दो दो बैच, एक साथ तीन तीन बैच भी तुम ज्वाइन करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो. ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो. जितने मर्जी डाउट हो तुम्हारे, वो डाउट तुम्हारे वहां क्लियर हो रहे हैं, फर्स्ट थिंग. साथ में लाइव टेस्टिंग और क्विजेस से तुम अपने आप को इवेल्युएट कर लो बच्चों. इवेल्युएशन से फायदा क्या होता है? सीधा सा फंडा कि तुम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो. जैसे नहीं कॉम्बैट तुम लोग कर रहे हो, अच्छा ये चीज भी याद रखना, कॉम्बैट में या किसी भी फ्री क्लासेस में आजकल बच्चों कोड मांगता है कि हाउ टू अनलॉक दैट पर्टिकुलर जो भी स्पेशल क्लास है या कॉम्बैट टेस्ट सीरीज है, कुछ भी है, तो ये कोड डाल देना, हमेशा ये काम आएगा. प्लस सब्सक्रिप्शन में तो ये काम आता ही आता है, प्लस में या आइकॉनिक में, जो मैं रिकमेंड करता हूँ उस पर आओ. बट अगर फ्री क्लासेस भी देखना चाहते हो, तो अनअकैडमी की जो नई अपडेट है फ्रॉम द 1st दिसंबर, आपको कोड डालकर उस क्लास में एंटर कर सकते हो. है वो फ्री, बट यू हैव टू एंटर वन कोड, तो यूज दिस कोड. जब भी कभी अटको ये कोड यूज कर लो, काम बन जाएगा. एक और अच्छी चीज, यहां पर लाइव लेक्चर्स तो होते ही होते हैं, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तुमको बच्चों मिल जाते हैं. दिस इज द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात. एक सब्सक्रिप्शन से, तो सिंगल सब्सक्रिप्शन लाइव लेक्चर देख रहे हो जैसे अभी वैसे, और रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा आप रिवीजन कर सकते हो ना, आप उसका सिंपल फॉर्म में रिवीजन कर सकते हो बच्चों. एक बेस्ट थिंग क्या, वहां पर किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. यहां पर तो बहुत सी स्पैम बातें और कहानियां चल जाती हैं, वहां पर सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको चीजें चलनी होती है ना. अच्छा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक है एडिशनल. आइकॉनिक में क्या होता है, सारे बेनिफिट्स प्लस के तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ में आपको पर्सनल कोच एडिशनली मिल रहा है. पर्सनल कोच जो आपके हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो पढ़ाई के ड्यूरेशन में आपको आती हैं, जो आपको टॉपर बनने से रोकती हैं, उन सारी प्रॉब्लम का सलूशन. जैसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो आपकी स्टडी प्लानिंग कर देगा. टेस्ट में किस टॉपिक से वीक हो, वो आपको एनालाइज करके बता देगा, तुम यहां पर हो, इस बुक को फॉलो करो, ये क्वेश्चन करो. हर वो चीज तुम्हारे लिए एकदम पर्सनल, तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से लेकर सब कुछ
इन डेप्थ एनालिसिस तुम्हारे लिए पर्सनल कोच करके देगा। तुमको कोई दिक्कत आ रही, यू कैन कॉल दे, तुम उनको कॉल कर लो, फोन कर लो, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू वो कनेक्टेड रहेंगे। एक ऐप है डिस्क्वाइड का फॉर्म में, उसके थ्रू ऐप वो कनेक्टेड रहेंगे आपके साथ। तो दीज आर द बेनिफिट्स ना। और अनअकैडमी का आइकॉनिक है तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही। अनअकैडमी कोई भी चीज़ हल्के फुल्के में नहीं निकालती, ये चीज़ को समझ लो बच्चों, राइट? फर्स्ट थिंग करना क्या है इन चीज़ों के लिए बच्चों, चाहे वो पेड क्लासेस हों जिसको हम सब्सक्रिप्शन क्लासेस कहते हैं या प्लस क्लासेस कहते हैं, या फिर फ्री क्लासेस हैं या फ्री अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट सीरीज है। बाहर जाकर लोग बहुत सा खर्चा करते हैं, 10,000, 12,000, 15,000 टेस्ट सीरीज के लिए, 5,000, 7,000। यहाँ पूरी तरह से फ्री टेस्ट सीरीज, और जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं वहां पर ना, लाइक 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे बच्चे लाइव हैं, उनके साथ जब आप कॉम्पिटिट करते हो तो आपको अपनी औकात ज्यादा समझ में आती है कि मैं सच में अच्छा हूं या मुझे सिर्फ लग रहा है, और दोनों में बहुत फर्क है। और ये इवैल्यूएशन आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है? तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो सारे बच्चे। एक दूसरा काम क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप कोई भी फ्री क्लासेस देखोगे, जैसे मुझे सर्च कर लो फिर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद एटी सर के नाम से, ठीक है? एटी सर के नाम से वहां पर सर्च कर लो, अनुराग तिवारी ऐसे करके सर्च कर लेना, ठीक है? शॉर्ट में एटी सर लिखोगे तो चलेगा, इसी नाम से प्रोफाइल भी है। सर्च करने के बाद मेरी कोई भी क्लासेस तुम देखोगे ना तो उसमें कोड मांगेगा, किसी की भी कोई क्लासेस देखोगे तो वहां कोड मांगेगा, उस कोड में भी यही डाल देना एटी सर और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो तुम उसमें एनरोल हो जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो टेस्ट हो। अनअकैडमी कॉम्बैट में तो 13th of December को होने वाला है, अभी जाकर एनरोल कर लो, मैं तो कहता हूं अभी के अभी, ठीक? चलो, जो बच्चे पेड प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं वहां पर भी ये कोड एप्लीकेबल है, एटी सर, देख रहे हो ना, ये कोड प्रॉपर एप्लीकेबल है। वहां पर हैव अ रेफरल कोड करके ऑप्शन आएगा, ठीक है? तो जो भी कोड हो, कौन सा कोड यूज करेंगे, एटी सर कोड हमेशा यूज करेंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, अब यहां पर जब है ना एटी सर की बात आ गई, तो एटी सर कोड जैसे ही लगाओगे कोई भी फीस होगी वो 10% ऑफ होगी। जैसे 6 मंथ का 28,000 था, इट विल रिड्यूस्ड बाई 3,000 और ये 25,000 हो जाएगा। 38,000 रिड्यूस्ड बाई 10% तो इट विल शो 34,650। उसी तरह से 56,000 अब आपको 10% ऑफ करके 50,400 शो करेगा। ये 6 मंथ, 12 मंथ जो भी तुमको लेना है, जिस भी क्लास में हो, फॉर एग्जाम्पल तुम 11th में हो, रिकमेंडिंग क्या 24 मंथ। इससे एक बेहतर प्लान जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, जो आपको गाइडेंस देता है, सारी चीजें आपको मिलती हैं, उसके सब्सक्रिप्शन प्लान में थोड़ा सा फर्क है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा वैल्यूएबल है, ये ज्यादा अच्छा है। मतलब अच्छे खराब में, मतलब जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट, मान लो तुमको कोच की जरूरत नहीं, आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो, गो फॉर प्लस, बट तुमको लगता है कोई गाइड करता रहे तो मुझे ज्यादा अच्छा रहे, है ना? तो ये इट विल बी 6 मंथ के लिए 38,000, बट अगेन यहां पर 80 सर कोड एप्लीकेबल है बच्चों, 80 सर कोड इज अगेन एप्लीकेबल। क्या करेंगे, 34,000 हो जाएगी फीस तुरंत जैसे ही ये कोड अप्लाई करोगे, हैव अ रेफरल कोड के फॉर्म में, यहाँ पर है ना, दिख रहा है यहाँ पर नीचे, तो तुरंत ये 10% ऑफ होगा। उसी तरह 65,000 जो 1 ईयर के लिए दिखा रहा है, 58,500 हो जाएंगे। एंड जो बच्चे 11th में है बच्चों, इफ यू कैन अफोर्ड, ट्रस्ट मी तो तुम रिग्रेट नहीं करोगे। ये मेरा कमिटमेंट है तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हारे साथ में, अगर तुम 11th के बच्चे हो और इस चीज की वैल्यू करते हो, समझते हो, तो गो फॉर दिस। 10,000 रिड्यूस होकर ये 9,000 यू हैव टू पे, बट इसमें जो 2 साल की गाइडेंस मिलेगी ना वो कमाल की होगी, उसकी तो आप वैल्यू भी नहीं लगा सकते, राइट? तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आई एम रिकमेंडिंग, इट्स ऑल अप टू यू कि आप प्लस पर जाना चाहते हो या फिर आइकॉनिक पर जाना चाहते हो, ठीक है? तो चलो चीजों को सिस्टमैटिक स्टार्ट करते हैं, है ना? तो विद इन अ डे और टू डे, है ना, हम प्लस कोर्स भी हम लोग लॉन्च करेंगे जिसमें मैं डाइवर्सिटी कंप्लीट पढ़ाऊंगा। इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला टेलीग्राम है, उसको आप लोग देख लें, ठीक है? तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी की बातें करेंगे बच्चों, है ना, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे इस साल काफी क्वेश्चंस आ गए फ्रेंकली बोलूं तो। इस पूरी यूनिट को हम लोग 4 दिनों में कंप्लीट करेंगे, आज फर्स्ट डे है, कल सेकेंड। पूरी यूनिट मतलब 2 चैप्टर को 4 दिनों में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरह से लोग करने वाले हैं। यूनिट आपकी सेकेंड लास्ट 12th क्लास की यूनिट है, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर हैं, सिस्टमैटिक हैं। ये हर्बर्ट बॉयर वगैरह, इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों? जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसको मैं 65 कर देता हूँ, वन थिंग, और यहां पर तो कहानियां चल ही रही, बिल्कुल क्लियर। इसको कर लिया कितना,
वेट, मेक इट लाइक दिस। चलो ये तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, आई थिंक दिस इज विजिबल टू एवरी वन, परफेक्टली फाइन। चलो शुरू करते हैं, हर चीज को प्रॉपरली एनसीईआरटी से शो करूंगा तुमको और उसी तरह से चलेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनसीईआरटी सारांश, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी सारांश। चलो बच्चों गुड इवनिंग अगेन, है ना, अगेन गुड इवनिंग, और चीजों को स्टार्ट करते हैं। आंसर्स आने शुरू हो जाने चाहिए, दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। तुम आंसर दोगे हर क्वेश्चन को, मैं उसका रेफरेंस बताऊंगा एनसीईआरटी में कहां है, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं दोबारा से एनसीईआरटी अपनी ओपन करके बैठ जाओ, जो क्वेश्चन आते जाए वेल एंड फाइन, जो नहीं आए तुरंत उनको हाईलाइट करो कि ये लाइन मुझसे मिस हो गई थी, दैट्स वाई। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी सारांश, कि आप कंसेप्चुअली चीजों को समझ पाओ, ठीक है। और स्पेशल क्लासेस मेरी अटेंड करना शुरू करो बच्चों, अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए मैं बहुत सी स्पेशल क्लासेस मॉर्निंग में 8:30 ले रहा हूं, तो आपको टेलीग्राम पर सारे लिंक मिल जाते हैं, तो जाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अभी अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, अन अकेडमी नीट प्रो, ठीक है। चलो कहानियां स्टार्ट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस टू यूजफुल टू ह्यूमन, प्रोसेसेस विच आर यूजफुल टू ह्यूमन, बहुत क्लियर सी बात, कौन सी चीजों का यूज करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों ने बोला है ए, कुछ बच्चों ने बोला क्या बी, कुछ बच्चों ने बोला डी, वंडरफुल। तो आंसर विल बी एंजाइम, जो एंजाइम ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं और साथ साथ में लाइव ऑर्गेनिज्म दोनों ही यूज कर लेते हैं, देख लें क्या, तो बातों को समझेंगे, है ना। इस बात को बहुत क्लियर फॉर्म में समझना, तुमको फील आ जाएगी कि ओके यहां से मेरे क्वेश्चंस गलत हुए और अब चीजें समझ में आ रही। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, क्या बोला, लाइव ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल इन द ह्यूमन। पहली ही लाइन से धमाका हो गया, है ना, काफी बच्चों की गलतियां हो गई। चलो फिलहाल जो गलतियां हो उसको सीख जाओ और उनसे समझ लो, इनको अलग से नोट्स बना लो बेटा, हर क्वेश्चन अपने आप में नोट्स है। एक छोटा सा तरीका बताऊं, जब भी ये क्लास देख लो लाइव में, तो तुम आंसर क्वेश्चन करो मेरे साथ में, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर करो, जो ना समझ में आए क्वेश्चन पूछो, मैं चार्ट देखता हूं तुम्हारे बट फालतू चीजों को अवॉइड करता जाता हूं, तो जेन्युइन क्वेश्चंस फर्स्ट थिंग। दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये जो एमसीक्यूज है ना, ये वाले, इन एमसीक्यूज से नोट्स बना लो, नहीं समझा, अगर तुम इस एमसीक्यूज के नोट्स बनाओगे तो क्या ये पॉइंट वाइज नोट्स बन जाएंगे, हाँ या ना, बस काम बन गया। और जो वर्कबुक सीरीज है वहां से भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलो अगली बात, कल शाम को प्लांट किंगडम की फुल मैराथन इस टाइम चल रही होगी, तो मेंटली प्रिपेयर रहना, जो भी डाउट होगा सब सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर टू है ना, क्वेश्चन नंबर टू, बायोटेक्नोलॉजी मेनली यूजेस, क्या यूज करता है देखें क्या, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी मेनली क्या यूज करेगा, ठीक है, तो हम यहां पर देख लें क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, रुको, ये है यहां पर, यही था, हाँ। तो दो प्रोसेसेस विच यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस टू अचीव सेम ऑन द लार्ज स्केल, तो जीएमओ की जगह पर क्या दिया हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसका फुल फॉर्म दे दिया, कोई प्रॉब्लम, तो वी कैन यूज द वर्ड टू का वन, वंडरफुल, बहुत अच्छे, ठीक है ना, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। क्वेश्चन नंबर थ्री, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्रोसेस ऑब्लिक टेक्निक इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से कौन सी टेक्निक है, सबसे ऊपर का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्रोसेस ऑब्लिक टेक्निक इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल, देख ले, आ जाओ भाई दिखा दो बच्चों को कि हम कहां पर छिपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल है ना, मेनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर अंडर बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन एंड करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान से देखो, हर पैराग्राफ की हर लाइन आप पढ़ रहे हो लेकिन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी सारांश, बच्चे समझना इस बात को, आंसर क्या हो जाएगा, ये भी और ये भी, राइट। चलो जी बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर आपको समझ में आ गया, फोर्थ, ठीक है ना, वंडरफुल रश्मिता बेटा, जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं मैं उनके आंसर्स देख रहा हूं, बाकी लंबी लंबी कहानियां हैं उनको अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में सिर्फ फोकस करें इस पर।
क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन ऑफ बायो, तो ईएफबी की जो डेफिनेशन है इसमें से कौन सी बातें ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, इट इंक्लूड ट्रेडिशनल व्यू, क्या ये बात सच है? चलो अभी देख लेते हैं, पहले देख ही लेते हैं। अच्छा देखो, इट इनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी एंड डेफिनेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग। इन सब चीजों का किस लिए यूज करना है? किसका? नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिज्म का, सेल का और उसके पार्ट्स का। किस चीज और उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग का क्यों यूज करना है? फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने में और उनसे रिलेटेड अलग अलग सर्विसेज बनाने में। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जो है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बोला, ईएफबी की डेफिनेशन रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है? चलो, तो ट्रेडिशनल व्यूज हैं, मॉडर्न व्यूज भी हैं और डेफिनेशन भी है, तो आंसर डी लगा दें। क्यों भाई, क्लियर? बहुत अच्छी बात, वंडरफुल। कुछ बच्चे कहने लगे सर सारांश सीरीज बंद कर दी क्या? ना ना, जो प्रॉमिस किया वो पूरा होगा, ठीक है? सारांश सीरीज बंद नहीं होगी यार, इतनी अच्छी सीरीज बच्चों को कैसे छोड़ते हैं, कैसे छोड़े उसको? बच्चों का जिसमें भला हो उसको कैसे छोड़े? पढ़ तो तुम मेरे जो है मैराथन से भी पढ़ रहे हो भाई, जो लोग पूरे वीक में पढ़ा रहे हैं, मैं तो एक ही दिन में पढ़ा रहा हूँ 4 घंटे लेकर। सारांश सीरीज बंद नहीं होगी, मैं दोबारा बोल दूं तो, रेगुलर आना है तुमको बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, है ना? इनमें से कौन सा है ना, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ जी, बहुत सी चीजें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बना सकते हैं, देख लें कहां पर है ये। हालांकि तुम्हें पता है इसको ढूंढने से बहुत वो नहीं है, तो प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम, दिख गया? हाँ या ना? सारी चीजें एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन डिस्कशन से हैं, तो आई होप तुमको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोग मार्क कर लेना एनसीईआरटी में, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स। तो टोटल हम लोग 50 क्वेश्चंस तक अराउंड चलेंगे बच्चों, 50 क्वेश्चंस तक हम लोग चलेंगे और मजा आएगा, है ना? यू विल फील गुड, अच्छा लगेगा तुमको कि हाँ मजा आया। क्वेश्चन नंबर 6 की बातें करें, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से फॉल्स कौन सा है? झूठा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ भाई, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? सो फॉल्स स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कथन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूडेड टेक्निक टू ऑल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ने आरएनए, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको ही तुम वो कर दोगे तो ये बातें बिल्कुल ठीक होगी, उसकी चेंज कर दी ना। अच्छा पूछा है, फॉल्स पूछा है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेजियस, ना? बिल्कुल ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मिल जाते हैं तुमको। जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ अस टू इंट्रोड्यूस डिजायरेबल सेट ऑफ जीन, बिल्कुल ठीक। प्लाज्मिड इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग लीनियर, यहीं पर बातें आपने गलत कर दी। सब कुछ तो ठीक था ठाकुर साहब, सब कुछ तो ठीक था, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, हमें पता है कि ये सर्कुलर, समझ गए? बिल्कुल ठीक, आंसर विल बी व्हाट? दिस इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई डी विल बी द आंसर, डन। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, ओके। तो यहां लिखा कहां है सर, ये बातें लिखी कहां है, ये बस बता दो, है ना? तो ये देखो, एडवांटेजेस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्शुअल, बातें समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें यहीं कहीं तुमको सब मिल जाएं, डन है? तो ये सब कुछ चीजें एनसीईआरटी की हैं, आपको डाटा कलेक्ट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है, डन। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि इस वीडियो को दोबारा देखते हुए उसके नोट्स बना डालो, कर लोगे तो काम बन जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के बाद सेल और फिर हम लोग क्या, प्रॉपर इकोलॉजी, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, हंसते खेलते हम लोग सारे खत्म कर लेंगे, देख लेना तुम। चलो बच्चों अगली बात, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलियन डीएनए इन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, मल्टीप्लीकेशन की जब भी बात करें तो क्या होगा? तो जो लो भाई, एक मिनट रुकना, ओके, द एलियन पीस ऑफ डीएनए बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच इज प्रोबेबली एबिलिटी टू रिप्लीकेट, है ना? इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज
ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ. तो जब भी कभी एलियन डीएनए को आप डालोगे यू नीड दिस ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. डन, बातें क्लियर हैं भाई. कहां से जुड़ेगा? एक सर्कुलर डीएनए है, देखो मेरी बात, एक सर्कुलर डीएनए है, कहां से डालू, नए डीएनए को कहां से अटैच करूं? तो कोई तो पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे यहीं से ओरिजिनेट होगा रेप्लिकेशन का पॉइंट, वहीं पर अटैच कर दिया. अटैच कर दिया तो काम बन गया. इस बात को समझ गए? द नीड ओराई, ओराई शॉर्ट में बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, वी कैन कट डीएनए विद द हेल्प ऑफ. डीएनए को हम कैसे कट कर सकते हैं बच्चों? डीएनए कैन बी कट बाय, सबको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये भाई साहब ने बोला है क्या? एट्थ का आंसर जल्दी से बताओ. एट्थ का, तो अब आपको लगे कि जी नाइफ से काटते हैं तो नहीं, चाकू से तो डीएनए को नहीं काटेंगे, मत काटो, ठीक है? चलो, डीएनए से डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, आरएनए का इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है? तो हमने समझ लिया यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, क्या वर्ड यूज किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है? और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सबसे अच्छी बात क्या, ऑल्सो नोन एज मॉलिकुलर सीजर कट पीस, जिसको डीएनए को कट करने का काम इसी का है, ठीक है ना? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपको पेज नंबर के साथ में सारी चीजें दिख रही हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. डन है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. अच्छा, याद कैसे करें कि सर आर ई से ही कटता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करता है, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बच्चों? शॉर्टकट बता रहा हूं तुमको, आर ई लिखते हैं ना इसको. तो लकड़ी को किससे काटते हो? लकड़ी को किससे काटते हो? आरी. तो वैसे ही जब कभी कंफ्यूजन हो जाए अगर, तो कैसे याद रखेंगे? आरी, आरी का मतलब डीएनए को काटने वाला, समझ गए? उसी तरह से एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में कौन सा फॉर्मिंग रिएक्शन है, कौन सा जो ब्रेकडाउन रिएक्शन है? तो कैटाबॉलिज्म में भी क्या होता है? काटा, काटा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को ब्रेकडाउन करना, तो ब्रेकडाउन रिएक्शन विल बी कैटाबॉलिज्म, काटा, काटा, याद रखेंगे. उसी तरह यहां पर आर ई, आरी, आरी से काटते हैं ना. डन, बहुत बढ़िया. अगली बात करते हैं, समझे? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 9, फॉर मेकिंग जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म थ्री बेसिक स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. कौन कौन से? तो तीन देकर बोला है क्या? ऑल. तीन देकर बोला है क्या? ऑल. तो पहले तो बता दूं ऑल, तो इसको समझ लें क्या, तीन बेसिक स्टेप्स कौन कौन से, तो बातों को समझ लें, है ना? बातों को समझ लें क्लियर फॉर्म में. पहले तो ये तीनों स्टेप्स आपको पता होने चाहिए. यहीं पर है भी, एक मिनट देना. यू कैन हेंस इनफर दैट देर आर थ्री बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड दिस, आइडेंटिफिकेशन है ना, इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है ना? कहानियां समझ रहे हो? तो तीनों ही बातें तुमको क्लियर होनी चाहिए. आइडेंटिफिकेशन, तो यहां पर तीनों बातें दे रखी हैं, मिल गया टूल से जस्ट ऊपर वाला, अभी नोट कर लो, अभी के अभी नोट कर लो. तो यहां पर मैंने आंसर लगा दिया 9th का डी, परफेक्ट. अच्छा, हु आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम द सेल्मोनेला टाइफी या टाइफी म्यूरियम, पूरा नाम हो गया, इन 1972, 10th की बात कर रहे हैं. तो सबको पता है, वैसे तो आंसर तो पता है, बस सर्च भी कर लेते हैं. तो आपको याद होना चाहिए, है ना? आपको वैसे तो शुरुआत में ही मिल गया, है ना? तो कोहेन एंड बोयर की बात करें ना, शुरुआत में ही मिल गया आपको, बट स्टिल हम देख ले भी लेते हैं, है ना? ये हर्बर्ट बोयर और कोहेन की बात हो रही, ठीक है? ये डन. और कुछ बातें, और कुछ बातें, तो ये बात यहां से उठाई हमने, सेल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, स्टैनले कोहेर, 1972 में आइसोलेट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और इसके फॉर्म में आप लोगों ने यहां पर पता लगाया, किसकी हेल्प से? सेल्मोनेला टाइफी. 194 में सीधा सीधा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मतलब थियरी पार्ट, याद रखेंगे, क्लियर? चलो जी, तो ये कोहेन एंड बोयर की बात करें. ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है, और जरा डायग्राम को पढ़ते हुए नीचे चलेंगे. डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द कटिंग ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय यूजिंग इको आर वन. तो आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए, जी ए, ये नोट कर लो अभी के अभी, जी ए ए टी टी सी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करें, टी टी सी की बात करें, राइट? और इसका उल्टा क्या हुआ? जी ए ए टी टी और ये सी. अब वो 3' 5' आप देख लो किधर से भी.
और ये हमेशा जो इको आर वन है वो हमेशा जी और ए के बीच में कट करता है बच्चों, ये वर्ड याद कर लो अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया था, राइट। तो ये क्या जी और ए के बीच में कट कर रहा है? ना जी, ये जी और ए के बीच में कट कर रहा है, हाँ जी, समझ रहे हो ना। और कौन सा पैलिंड्रोमिक है ये भी ध्यान रखें, ये वाला कट कर रहा है ना जी, देखो ए ए के बीच में और ए टी के बीच में कट कर रहा है, ये जी और ए, लेकिन ऊपर वाला कहाँ, ये देखो सी और टी के बीच में, तो आंसर विल बी नानजी, है ना। तो नानजी हाँ जी के बीच में हमारे पास आंसर क्या आ गया, दिस। सर ये बात हमने ध्यान नहीं दी थी पहले, तो जरा बच्चों यहां पर ध्यान देना, आ जाओ आ जाओ। नहीं मिलोगे? मिलोगे, क्यों नहीं मिलोगे, देखो ध्यान से, अगर अभी तक ध्यान से नहीं बात की थी तो इसकी बात करो, ये दिख रहा है तुमको ये वाला जी ए ए, तो हमेशा जी ए के बीच में कट करता है इको आर वन, प्लीज इस बात को याद कर लो, है ना, बातों को समझना बिल्कुल क्लियर फॉर्म में। नीचे भी वैसे ही है, और दे विल क्रिएट ऑलवेज स्टिकी एंड, इस बात को भूल गए तो काम खत्म, काम खराब हो जाएगा। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर फोकस करो, अगली बात करो। एंड बच्चों का ये प्यार कह लो, अटैचमेंट कह लो, या फिर कनेक्शन समझ लो, 2-3 दिन सारांश सीरीज नहीं हुई तो मेरे पास लगभग कुछ नहीं तो 150 मैसेजेस आए अलग अलग बच्चों के, अलग अलग तरीके से, कुछ टेलीग्राम पर, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ इसी पर, है ना, तो अलग अलग तरीके के मैसेज आए, है ना। तो इस चीज को बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ तुम लोग कि ये सीरीज बंद होने वाली। हाँ, इनके बीच बीच में छोटे मोटे ट्रिक्स की वीडियोस डाल दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसे सैटरडे को मैंने क्या सोचा है, एवरी सैटरडे तुम्हारे लिए एक मैराथन लेकर आऊंगा, इसी बहाने एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, फिर उसी से रिलेटेड लगभग हम लोग क्या करेंगे, एक पूरे वीक में पढ़ाई करते जाएंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो एवरी वीक तुम्हारे एक चैप्टर, मतलब मंथली अगर 5 थर्सडे वो सैटरडे आ गए तो 5 चैप्टर मंथली तैयार हो जाएंगे। इतना तो तुम और कहीं पढ़ी, खुद भी अकेले रोज भी करो तब भी नहीं कर पाओगे, एक अच्छी चीज रहेगी तुम्हारे लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, इजी क्वेश्चन है बच्चे। हाइंड टू रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी बेस पेयर, हाइंड टू की बात करें, हाइंड टू की बात करें, एनसीईआरटी की लाइन, लो भाई। अच्छा देखो ध्यान से, हाइंड टू ऑलवेज, अगर अगर इस ये लाइन तुमने हाईलाइट नहीं की थी तो अभी हाईलाइट करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमने नहीं हाईलाइट की, ध्यान नहीं दिया। हाइंड टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। किसको किसको ये बात सच में पता थी, किसको किसको बात नहीं पता थी? हाँ जी सर, इस पर ध्यान नहीं गया, बिल्कुल हो सकता है, बट कौन कौन था ऐसा? मी, यू कैन राइट इट एज मी, है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मी सर लाइक दैट। छोटी छोटी बातों को फोकस करो बच्चों, हाइंड टू 6 बेस पेयर वाले को कट करेगा, डन, यहां पर आंसर आ गया 6, क्लियर, ओके। चलो इसी बहाने कुछ बच्चों को चीजें हेल्प मिल रही हैं, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, इतने बच्चों में से 5 बच्चों को भी हेल्प मिल गई ना, काम बन जाएगा अपना। चलो 13th की बात करें, सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, 13th की बात करें, आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस तरह के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर। अच्छा तो बातों को समझे, यहां पर बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, फर्स्ट थिंग, एक बात बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर, 1 मिनट। तो पैलिंड्रोमिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, तो देखो यहां पर दोनों बातें दे रखी हैं छिपाकर, ध्यान से देखना, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में, और वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हैं इसको, और पैलिंड्रोमिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वंस इट फाइंड स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो रिकॉग्निशन भी आंसर आएगा और पैलिंड्रोमिक भी आंसर आएगा, तो आंसर विल बी व्हाट, मैं बी और सी दोनों लगा दूं, बातें समझ में आ गई, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ये 14 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, राइट। तो मोर देन 9900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहां पर कौन सा इनकरेक्ट है? तो बातें तो ये ठीक है, मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड ओवर दिस। सर ये लाइन एनसीईआरटी में है क्या? लो जी तुम्हारे सामने है, वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, मिल गई लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान गए 195 पर सीधे जस्ट जाओगे, लिखा लो।
In the year 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. ये भी लाइन एनसीईआरटी में है सर, कहाँ है? नहीं मानोगे, मत मानो, मैं दिखा देता हूं। लो भाई, वेट। इन 1963, टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्शन का ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन दिस इज आइसोलेटेड। मान गए कि नहीं माने? 195 में जस्ट ऊपर। अगली बात, सम की टूल ऑफ रिकॉग्निशन इज दिस दिस, ये तो हमें पता है यार, देखने की क्या जरूरत है। बट दिस इज इनकरेक्ट। इको आर आई कट ए और टी के बीच में, ना ना, इसमें ये जी और ए के बीच में कट करता था, याद आया? ये स्टेटमेंट याद कर लो, आंसर 14th का डी। बहुत अच्छे बेटा, चलो अगली बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15th की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15th की बात करें। इको आर वन में आर का मतलब क्या है ना? तो आपको पता है ई फॉर जीनस, ई है ना एस्चेरेशिया, सी ओ मतलब कोलाई स्पीसीज, और आर इज द स्ट्रेन, है ना, और वन इज आर वाई 13 होता है ना, आर वाई 13, तो आपको याद रखना। को का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, स्पीसीज, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये चीजें आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। देखो, तो आर इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ, यहां से थोड़ा सा नीचे चले, नेम ऑफ स्ट्रेन, तो आर का मतलब स्ट्रेन हो गया, डन, कहानियां क्लियर। और फर्स्ट और सेकंड तो जीनस ही है, जीनस और स्पीसीज, डन। तो यहां पर आपको मिल जाएंगी चीजें। अब ये क्वेश्चन 17 का बताना, इस डायग्राम को पता लगाना है ना, ए बी है ना, मिल जाओ भाई। हाँ, ये देखो, डीएनए था, इधर था, उसको कट किया, कट करके उसको फिक्स किया और बी बन गया। तो ये एग्जैक्टली बी क्या है बच्चे? अब ये बी क्या है? डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो, ये बी क्या है, जल्दी से बताएंगे। डायग्राम को ध्यान से देखो, बी एग्जैक्टली है क्या? तो तुम्हारी बायोटेक इसी बहाने पूरी हो जाएगी, फिर इसके बाद सेल करवाऊंगा, सेल वाला चैप्टर, पूरी यूनिट इनफैक्ट, नहीं पूरी पूरी यूनिट, सेल बायोमोलिक्यूल्स और सेल डिवीजन, और इसके बाद मैं इकोलॉजी स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना? तो ये अगर तीन हो गए और पहले वाले सारे देख रखें, काम बन जाएगा, बाकी भी स्लोली स्लोली करेंगे, रुकेंगे नहीं। मैं दोबारा बता दूं, रुकना तो नहीं है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर बच्चों, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। देख लें इस डायग्राम का मतलब, कहीं पर लिखा भी हुआ है क्या? देख लें, सर्च कर लें, पता लगाते हैं। तो दिस इज नोन एज वॉट, ट्रांसफॉर्मेशन, दिख गया ना तुमको? दिस इज नोन एज, डीएनए को किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना इज ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर? आसान है, तो इट इज वॉट, ट्रांसफॉर्मेशन, परफेक्ट, बहुत अच्छे। 17 का ए आ गया। 18th की बात कर रहे हैं बच्चों, 18th, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक्स, 18th की बात करें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कट करता है? बिल्कुल क्लियर फॉर्म में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? एक मिनट, हाँ जी, क्लियर फॉर्म में, ये देखो यहां छिपा बैठा हुआ है, ध्यान से अगर दिख रही चीजें तो, रिकॉग्निशन सीक्वेंस में गया, इट बाइंड विद डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड एट डबल हेलिक्स एट द पॉइंट दे आर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। कहानियां समझ गए? तो दे विल कट योर शुगर, मतलब उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ेगा रिस्ट्रिक्शन। डीएनए के बीच में क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। प्लीज याद कर लो, ग्लाइकोसिडिक नहीं, ऑल ऑफ देम नहीं। 18th का आंसर आपको सबको समझ में आ रहा है, वंडरफुल, नॉट ग्लाइकोसिडिक बच्चे ना, ठीक है अमर, चलो जी, बहुत अच्छे। सीक्वेंस ऑफ इको आर्बन अभी अभी मैंने बता दिया तुमको, सीक्वेंस ऑफ इको आर्बन कौन सा होगा? जी ए ए टी टी सी है ना, 19 की बात कर रहे हैं, है ना, 19 की बात कर रहे हैं बच्चों, क्लियर फॉर्म में, यस, दिस विल बी द सीक्वेंस। 19 में दिखाने की जरूरत ही नहीं, तुमको ऑलरेडी पता है 19th में, ठीक है, डन डन डन। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन, इको आर वन कट पैलिंड्रोम सीक्वेंस विच प्रोड्यूस ओवर हैंगिंग स्ट्रेच कॉल्ड एज स्टिकी एंड। अभी अभी बात हो गई, इनका नाम स्टिकी एंड क्यों हुआ, है ना, इनका नाम स्टिकी एंड क्यों हुआ, देखें क्या स्टिकी एंड का नाम स्टिकी क्यों है? चिपचिपा है क्या ये? हाँ जी, क्या ये चिपचिपा है?
ध्यान से देखें और मुझे ये भी बताएं कि इस लाइन को किसने किसने छोड़ दिया था, क्योंकि जो हाईलाइटेड चीजें होती हैं बच्चे पढ़ते हैं, छिपी हुई लाइन को कोई नहीं पढ़ता। ओवरहैंगिंग स्ट्रेच इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड ऑफ ई स्ट्रैंड, दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट एंड दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। दो दो क्वेश्चन बन रहे हैं बट एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया। आंसर विल बी बी, इस बात को किसने किसने, है ना, इस बात को किसने किसने पहले ध्यान नहीं दिया था वो मुझे बताए आंसर में मी, क्योंकि ये तुम्हारा और मेरा कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन, कि मैं तुमसे कुछ पूछूं तो मुझे आंसर दो। तो मुझे समझ में आया कि मैं बच्चों की हेल्प कितनी कर पा रहा हूँ फर्स्ट थिंग, और अगर ये चीज़ें हैं ऐसी तो इसको याद कर लेना, यही तो फायदा है, यही तो फायदा है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की बात करें, 21, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ जेल पीस इज नोन एज, हर बच्चे बच्चे को पता है ये वर्ड, जो बच्चा ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ चुका है ना। ओके, तो आंसर आपको समझ में आना चाहिए, इल्यूजन, बातें समझ में आ रही हैं, इल्यूजन क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देखो डन दिस स्टेप, तो यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ, द सेपरेशन सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस known as इल्यूजन, उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको चीजें याद होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्टली फाइन, डन। फ्रेगमेंटेड डीएनए कैन बी विजुलाइज बाय स्टेनिंग द डीएनए विथ, किससे हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं बच्चों, किस चीज से हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 22 की बात कर रहे हैं, राइट, बहुत आसान, बहुत ईजी। और कल मैंने ट्रिक बताई थी, वॉल्यूम और जितनी भी कैपेसिटीज हैं लंग कैपेसिटीज, उनको याद करने की ट्रिक, जाकर देख लेना, टेलीग्राम पर लिंक पड़ा हुआ है या इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। 22, दैट इज इथीडियम ब्रोमाइड, इट इज अ कार्सिनोजेनिक इंटरकैलेटिंग डाई, याद कर लो अगर पता है तो, ETBR, क्या वर्ड यूज किया, ETBR, क्लियर। कहां पर है भाई ये लाइन, कहां दे रखी है ना, क्लियर, ध्यान से देखें, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ अ कंपाउंड कॉल्ड एज ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी, ठीक है, डन। आप नेकेड आई से डीएनए को नहीं देख पाते, तो आपको उसके अंदर, उस जेल के अंदर ETBR डालनी है, और उसके बाद जब डीएनए रन होगा तो डीएनए के साथ में अटैच हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, तो जब नीचे से यूवी रेज करोगे तो फिर नीचे से एलिमिनेट होगा, है ना, ठीक है, चलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, फॉर क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इट इज अटैच्ड विथ ओराई जीन ऑफ द वेक्टर विच कंट्रोल, यहां पर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, कुछ बच्चों का बहुत कंफ्यूजिंग फॉर्म था। देखो ओराई का दो काम होता है, इस बात को याद कर लो, इसी बहाने मैंने तुमको क्वेश्चन बता दिया, समझा दिया, वो लाइन समझा दी, पहला तो वहीं से रेप्लीकेशन हो रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, एंड दे ऑल्सो कंट्रोल योर कॉपी नंबर, कॉपी नंबर मतलब एक प्लाज्मिड से 10 बन रहे हैं तो उसकी कॉपी नंबर ज्यादा, एक से दो बन रहे हैं तो कॉपी नंबर कम, तो नंबर ऑफ रेप्लीकेशन के फॉर्म में, रेप्लीकेटेड डीएनए के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज कॉपी नंबर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों। अगली बात, कहानियों को ध्यान से समझे, 24, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, 24 की बात करें, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, बच्चों ओरिजिन मींस ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बातें गलत हो गई ठाकुर साहब, ये बात नहीं करनी चाहिए थी आपको, अच्छी बात नहीं की आपने, ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया, रेप्लिकेशन बोलते फिर तो ठीक थी। सम बैक्टीरियल सेल मे हैव कॉपी नंबर, सम बैक्टीरियल सेल मे हैव कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मा, डैट वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस, ये बात तो ठीक है, क्या देखें क्या कहां लिखा है ये, सर ऐसे कैसे ठीक है, आपने बोला और हम मान ले, हमें प्रूफ चाहिए, तो ये लो प्रूफ, जनता जवाब मांगती है तो जनता जवाब ले लो भाई, ध्यान से समझेंगे, ऐसी छोटी छोटी बातों को बच्चों हाईलाइट करेंगे, हंसी मजाक बिल्कुल चलता रहेगा, मजा भी आ जाता है, बट हर लाइन पर फोकस करोगे तो मजा आ जाएगा। तो सम प्लाज्मिड मे हैव वन और टू कॉपीज पर सेल, जबकि कुछ कुछ में 15 से 100 कॉपीज पर सेल भी बन जाती हैं, प्लाज्मिड के नंबर की इंक्रीमेंट को कॉपी नंबर बोलते हैं, दैट में भी 2, दैट में भी 15, दैट में भी 100, समझ गए, कहानियां क्लियर, इवन गो हायर, तो ये कहानियां क्लियर हो गई, तो एक ट्रू मिल गया हमको ऐसे की तैसे, बाकी पढ़ लेना, है ना, क्लियर। 25 की बात कर ले बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आर यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई, डन,
ध्यान से। तो यहां पर आपको सेलेक्टेबल मार्कर की बातें कर रहे हैं ना, देख लो भाई। नॉर्मली वी जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन है ना, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन, कंसिडर्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर, यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर। डन, कोई दिक्कत, किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी? आंसर विल बी ऑल ऑफ देम, बिल्कुल क्लियर। तो 25 का डी आंसर। अच्छा, अगली बात, वंडरफुल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इजी एंड सिंपल। इफ एलियन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग सॉल्वन इन PBr322 दैट कैन बी ट्रांसफॉर्मेड विल ग्रो ऑन। अब इसमें कंसेप्ट लगता है, यहां पर आपको कंसेप्ट लगेगा, है ना, ध्यान से ये देखो, बहुत ध्यान से ना। वेट, रुकना रुकना रुकना, तुमको एक छोटी सी बात बताता हूं, आ जाओ भाई, हाँ प्रकट हो जाओ। अब देखो सॉल्व वन, देखो ये वाला दिख रहा है तुमको, ये दिस दिस पार्ट सॉल्व वन, दिस है ना, तो सॉल्व वन की जगह पर टेट्रासाइक्लिन है। अगर मैंने सॉल्व वन की हेल्प से कट कर दिया तो टेट्रासाइक्लिन भी कट हो जाएगा, मतलब इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन उड़ जाएगी। तब इसको ग्रो करोगे तो सिर्फ ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पर ग्रो करेगा, कभी भी टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं करेगा। सेम फॉर बैम H1, ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना होगा। अच्छा, अगर मैंने PVU1 कट कर यूज किया तो मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पर ग्रो नहीं कर पाऊंगा, तब मैं टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो कर पाऊंगा। इस कंसेप्ट को सीख लेना, इसके क्वेश्चंस बोर्ड्स में तो आते ही आते हैं अगर तुम 12th के हो, अदरवाइज नीट में तो पक्का पूछे जाते हैं, क्लियर। तो सॉल्व वन टेट्रासाइक्लिन पर नहीं ग्रो कर पाएगा, किस पर ग्रो करेगा? एम्पिसिलिन पर ग्रो करेगा ओनली। तो 26 का आंसर क्या हो गया? ए, नॉट टेट्रासाइक्लिन, तो नॉट ए एंड बी, तो नॉट बोथ, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। कहानियां समझ में आ रही हैं बातें, सिंपल फॉर्म में। नेक्स्ट 27, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है इसमें? तो यार देखो ऐसा है ना, नीचे यहां पर दे रखी चीजें, डेफिनेशन देखो, इको आर वाई है ना, इको इकोलाई है ना, यहां पर ये चीजें कौन कौन से इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ओरिजिन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन सी है, आरओपी कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये भी दिया हुआ है, आरओपी का फंक्शन कहाँ है, और आरओपी आपको दिख ही रहा है ना। चलो तो कहानियों को सिंपल लैंग्वेज में समझें, इनकरेक्ट मैचिंग, प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड, क्या ये बात ठीक है या इनकरेक्ट है ना? वन मिनट, तो जल्दी से बताओ, PBr22 इकोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है, बिल्कुल ठीक है, इको आर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, पीसीआर टेक्निक इन विच मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इंटरेस्ट इन, अच्छा कुछ तो गड़बड़ है। आरओपी में क्या प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लीकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ये लिखा हुआ है, बात तो ये भी ठीक है, और पीसीआर क्या है? टेक्निक इन विच मल्टीप्ली मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ डीएनए जीन है ना, ये भी बात ठीक है यार, इस गलत कौन सा हो, क्या कुछ मैं मिस कर रहा हूं? जल्दी से बताओ। हाँ जी, चलो यहां पर अभी कुछ कंसेप्ट में कंफ्यूजन, मतलब दिमाग नहीं चल रहा होगा, कुछ चीजें लिखी तो हैं बट दिमाग नहीं चल रहा होगा, सारी सही दिख रहे हैं एक बार। चलो इनविजिबल हो गई, कोई बच्चा चैट में डालेगा जल्दी से, फिर तब तक हम आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है ना। नेक्स्ट इज 28, नेक्स्ट वन इज 28, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कंबर्शन प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। अच्छा, इंजर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज लीड्स टू कलरलेस कॉलोनी, बिल्कुल ठीक है, इंजर्शन इनएक्टिवेशन में पढ़ा हुआ है। अच्छा, जब भी हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लू कलर के लिए, ध्यान से समझना, तो अगर इसको कर देंगे तो ये तो गलत हो गया ना, तो आंसर यही तो पता लगाना था। ये कह रहा है ब्लू कलर दिखेगा नहीं, अगर उसको हटा दोगे तो कलरलेस हो जाएगा, ये लाइन दे रखी है, ठीक है, डन है बच्चों, बिल्कुल क्लियर, कहानियां बिल्कुल क्लियर हैं। अच्छा जी, अगली बात करेंगे, चलो जी कहानियों को और बढ़ाते हैं। 29,
विच वेक्टर इज यूज टू डिलीवर जीन इन एनिमल सेल. सबको रटा होना चाहिए ध्यान से रेट्रोवायरस, है ना, और वो भी डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस. ये ना करके हम क्या बोलेंगे, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस. कहां लिखा है ये देख लेते हैं, है ना, कहां लिखा है ये भी देख लेते हैं. तो रेट्रोवायरस इन द एनिमल हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म टू कैंसरस सेल, ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है. और यहां पर डिसआर्म्ड, इस बात को याद करें तो ये कैसे लिखेंगे यहां पर, सर डिसआर्म तो लिखा ही नहीं, लिखा हुआ है बेटा रेट्रोवायरस हैज ऑल्सो बी डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज टू डिलीवर डिस, है ना, डिजायरेबल जीन इन टू एनिमल्स. तो डिसआर्म्ड मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म कर दी, ठीक है, क्लियर. तो ये बातें याद रखें. क्वेश्चन नंबर 30, टू मेक बैक्टीरियम कंपोनेंट, है ना, बहुत क्लियर फॉर्म में, टू मेक बैक्टीरियम कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वी यूज व्हाट, हम क्या यूज कर रहे हैं, 30 की बात कर रहे हैं. तो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन और हीट शॉक, ये दोनों ही यूज कर रहे हैं. ये कहां लिखा हुआ है ना, तो आपको यहां दिखा देता हूं, देखो. तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे. पहली तो बात यहां लिख दिख गई आपको, फॉलोड बाय दिस हीट शॉक, और कैल्शियम भी यही लिखा हुआ है डाइवेलेंट कैटायन के फॉर्म में ना. हाँ ये देखो, डाइवेलेंट कैटायन में कैल्शियम आपको याद है, सच एज कैल्शियम, सच एज कैल्शियम. और इनका काम क्या है ये भी आपको पता चल गया, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं. तो ये आपको चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं यहाँ नीचे, डाइवेलेंट कैटायन सच एज दिस, चीजें बिल्कुल क्लियर. अच्छा जी, अगली बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट 31. बाय विच मेथड इज आर डीएनए डायरेक्टली प्लेस्ड इन न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में डालने के लिए. देखो कभी भी बायोलिस्टिक्स नहीं यूज करेंगे, प्लांट के लिए यूज करते हैं. ये तो हमने हीट शॉक नहीं किया, है ना, हीट शॉक मेथड दोनों ही हो गए. माइक्रो इंजेक्शन वी विल यूज, सीधे सीधे इंजेक्ट कर दिया. कहाँ लिखा है दिखा देते हैं, है ना, तो यहां पर आपको क्लियर फॉर्म में याद रखना है. इंट्रोड्यूसिंग एनिमल सेल इन होस्ट, है ना, और वो भी एनिमल सेल की बात, न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, वर्ड को याद रख लेंगे. डन डन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इजी एंड सिंपल. द वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल इंक्लूडेड, तो आपको पता है डिसआर्म पैथोजन जो रेट्रोवायरस की बात थी, बायोलिस्टिक्स भी उसी में आते हैं, माइक्रो इंजेक्शन भी आते हैं. ये सब कुछ क्या करते हैं, एलियन डीएनए को डालने में हेल्प करते हैं किसी भी होस्ट में, दैट में बी प्लांट, दैट में बी ह्यूमंस, दैट में बी एनीथिंग लाइक एनिमल सेल, या फिर बैक्टीरिया के अंदर भी डालना हो तो वी कैन यूज दीज थिंग्स, राइट. नेक्स्ट 33, इजी एंड सिंपल. विच मेथड इज सुटेबल फॉर ट्रांसफरिंग एन एलियन डीएनए इनटू प्लांट सेल, अगेन मैंने बोल दिया क्या वो हार्ड है, उसके बाहर सेल वॉल है, तो वी यूज बायोलिस्टिक्स. कहां लिखा है, यही लिखा है. और माइक्रो, ये जो बायोलिस्टिक्स है जीन गन, इसके अंदर हम गोल्ड प्लेटेड जो है, या टंगस्टन प्लेटेड कोटेड के फॉर्म में इसमें डालते हैं, है ना, राइट, एंड इट इज सुटेबल फॉर प्लांट, यहां लिखा है, क्लियर, सुटेबल फॉर प्लांट, क्लियर, डन, परफेक्ट. अब ये डायग्राम देख लो ध्यान से, और इस डायग्राम के बेस पर आंसर बताना. पूछा है ए क्या है, ए क्या है, सबको पता है, हाँ जी, 34 में ए क्या है, तो PVU2, है ना, ए क्या है. और ई क्या है बच्चे, ये ई, बाम एच वाले में ई क्या है बच्चों, 35 की बात करें तो बच्चे ए क्या, मतलब ये कि ई क्या है, 35, सबको पता है, टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, बिना किसी डाउट के इस चीज को आप आंसर कर सकते, बहुत इजी है. डन डन डन, क्लियर, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं. अगली बात बताना, 36 का आंसर बच्चों बताओ, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा तुमको, राइट. अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन द सीक्वेंस यूज इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें से कौन सा है जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के फॉर्म, इसका सीक्वेंस तुमको बताना. तो सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन किया, फिर फ्रेगमेंटेशन किया, फिर आइसोलेशन और डिजायर्ड डीएनए किया, फिर
1 2 3, फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट किया, फिर ट्रांसफरिंग इनटू होस्ट किया, बिल्कुल क्लियर फॉर्म में। ये तो सीक्वेंस में ही है यार, काम बन गया अपना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 6 5 7 कर दिया, तो यहाँ पर काम गड़बड़ हो गया, घोटाला कर दिया इन लोगों ने, तो ये नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 36 का ए ऑप्शन डन। 37, 37 इजी एंड सिंपल। इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म द जेनेटिक मटेरियल इज, ऑफकोर्स डीएनए ना, मेजोरिटी की बात की। सर ये एनसीईआरटी में लिखा है क्या, है ना, एनसीईआरटी में लिखा है क्या, ध्यान से देखेंगे। इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, जेनेटिक मटेरियल की बात। न्यूक्लिक एसिड दिस इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, एंड इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए। क्लियर सी बात आपके सामने, ठीक है, मान ले सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चे, सब कुछ एनसीईआरटी में। विच मैच इज करेक्ट फॉर, एंड मैं दोबारा बोल रहा हूं, नीट में क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, ऐसे ही आएंगे, बिना किसी डाउट के। सुकून से इस चीज को फॉलो करो डेली बेसिस पर, बिना किसी जो है उसके। कल मैराथन होगी, मेरी बात को सिंपल फॉर्म में समझ लो, कल प्लांट की मैराथन होगी, तो बीच बीच में कुछ चीजें लेकर आता रहूंगा, बट ये नहीं रुकेगा, कहीं से भी पढ़ो, जहां से मर्जी हो, बट एनसीईआरटी सारांश जरूर अटेंड करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनसीईआरटी सारांश जरूर से जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है। चलो, विच मैच इज करेक्ट फॉर एंजाइम विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डीएनए इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, प्लांट के लिए सेलुलोज, फंगस के लिए काइटिनेज, इसके लिए ये, और ये सर ये कहां लिखा है। हाँ जी, लो भाई आपकी यहीं पर लाइन मिल गई, क्या बातें मान लेंगे या अभी भी नहीं मानेंगे। सबसे अच्छी बात बताओ, एनसीईआरटी सारांश में कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं, तो अब एक्सेप्शन किस बात का, सर ये आंसर नहीं ये होगा, भाई सीधी सीधी बात आपको एनसीईआरटी से दिखा दी, तो काम डन। चलो 39 का आंसर बताओ भाई। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस, आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय राइबो न्यूक्लियस एंड प्रोटीनेज, प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय प्रोटीज, ठीक। 39, प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कैसे निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, चिल्ड इथेनॉल, बिल्कुल क्लियर। 39 का आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अगली बात, विच इन द फॉलोइंग इज यूज टू चेक प्रोग्रेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, कौन सा है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रेस पता लगा सकते हैं, है ना। डन, ये कहां लिखा है क्या कहीं पर, मिलना तो चाहिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ना इस बात को याद रखूंगा, ये स्टेज दिखा रहा है ना। ओके, तो तुमको ये चीज बता दूं कि अगर तुम कंफ्यूज हो तो बस ये चीजें बिल्कुल क्लियर फॉर्म में समझेंगे। पीसीआर से तो हम फाइनल रिजल्ट बाद में देखते हैं, लेकिन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जब मैं बात करूं, एजीई, अगर तुम कंफ्यूज हो तो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम इसको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में समझ लेंगे, नॉट आरओपी, ऑल भी नहीं जाएगा, क्लियर है ना। तो आंसर विल बी व्हाट, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, डन। ओके, कल को शॉर्ट फॉर्म में पूछ ले तो चीजों को याद रखेंगे। पीसीआर के फुल फॉर्म बच्चा बच्चा जानता है, जो बायोलॉजी पढ़ता है सबसे पहले यही पढ़ता है, 12th में आने के बाद, यूं समझ लो, क्लियर। पॉलीमर ना जी, पॉलीमरेज चेन रिएक्टर ना जी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हाँ जी, पॉलीमराइजेशन कॉम्बिनेशन एंड रिकॉग्निशन ना जी, क्लियर। इनका काम क्या होता है, डीनेचुरेशन, एनिलीनिंग और एक्सटेंशन, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, खटाक से कर दिया, वंडरफुल बच्चों, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ये सीधा डाटा आपको एनसीईआरटी से उठाना है, सीधा डाटा आपको एनसीईआरटी से उठाना है ना। ओके, ध्यान से समझेंगे, यहां से 30 साइकिल यहां पर लिखी हुई, देखो 30 साइकिल से कितना बना, 1 बिलियन टाइम्स, 30 टाइम्स,
तो 30 साइकिल विल क्रिएट 1 बिलियन, मतलब 100 करोड़, याद रखेंगे 100 CR, याद रखेंगे बच्चों, क्लियर फॉर्म में, बिल्कुल इजी, परफेक्ट। चलो जी 44 की बात करें। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन डैश होस्ट, इट इज कॉल्ड एज डैश प्रोटीन। 44 की बात करें तो इट इज हेट्रोलॉगस होस्ट और दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट। हेट्रोलॉगस कहां लिखा है? हेट्रो लॉगस। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट, हेट्रोलॉगस वर्ड को याद कर लो, अगर इससे पहले ध्यान नहीं दिया था तो अभी के अभी नोट कर लेंगे ना। रिकॉम्बिनेंट इज एक्सप्रेस्ड इन विच टाइप ऑफ होस्ट, अगर कल को ये क्वेश्चन आता तो क्या करते? सर ये तो लिखा ही नहीं हुआ एनसीईआरटी में, लिखा है ना हेट्रोलॉगस होस्ट, ध्यान नहीं दिया तो नीचे मैसेज करो, नीचे मुझे बताओ है ना, किसको किसको ये बात ध्यान नहीं आई, मतलब उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। यू कैन राइट इट एज मी सर, मी है ना, ME, राइट। चलो भाई अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड इन बायोरिएक्टर? बायोरिएक्टर में कौन सी चीजें कल्चर हो रही हैं? बिल्कुल क्लियर फॉर्म में, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कल्चर ना 45 की बात करें तो 45 में आपको आंसर आना चाहिए क्या? इतने लीटर की बात करें, है ना, काफी बच्चे हैं, वंडरफुल। तो ऐसा नहीं, बस छोटी छोटी चीजें ऐड करना चाहता हूं, जब तुम मी लिख देते हो तो मुझे लगता है हाँ चलो कुछ बच्चों को तो सिखा पा रहा हूं, ये मुझे मोटिवेट करता है एक्चुअली, ठीक है ना। तुम्हारा तो काम हो ही रहा है, तुमको तो मोटिवेट कर ही रहा है कि चलो कुछ नया सीख लिया, काम की बात करेंगे। और बच्चों डेली स्पेशल क्लास में आना है, मॉर्निंग में 8:30, शाम को जो शेड्यूल है वो 5 बजे, कभी 6 बजे, बेस्ड ऑन मेरी अवेलेबिलिटी, कि मैं दूसरी क्लासेस में कभी अवेलेबल मतलब जो है कंज्यूम हो जाता हूँ, या यूं समझ लो यूटिलाइज हो जाता हूँ, जो भी कह लो, तो वहां पर अगर बिजी हूं तो उसी हिसाब से, बट स्टिल मुझे जैसे टाइम मिलता है, जैसे थर्सडे को मिला तो मैंने तुमको 2 ढाई घंटे सुबह पढ़ाया, 2 ढाई घंटे शाम को पढ़ाया, फिर क्लास तो क्लास ली ही ली, ट्रिक वाली याद है कल की बात, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तुमसे मिल जाऊंगा। मॉर्निंग का टाइम फिक्स, शाम के टाइम में कभी 5 बजे। एक दिन तो मैंने मंडे को दोपहर में भी क्लास रखी है, 14 दिसंबर तक मैंने पूरी क्लास बिल्कुल फिक्स करके पहले से फिक्स कर दी, मुझे कुछ भी रोज नहीं करना, तुम जाकर चेक कर सकते हो कि किस दिन मेरी क्लास कितने बजे है, हालांकि मैं सारा शेड्यूल तुमको स्क्रीनशॉट में भेजता रहूंगा। 45 आपको मिल गया आंसर। 46 बच्चों, द होस्ट कल्चर्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम वे आर इन साइड द यूज मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर टू मेंटेन द, हम 50 तक करेंगे, बस 50 क्वेश्चन तक करेंगे जैसा मैंने पहले बोला। अच्छा ये किस फेज में हो रही है सारी चीजें? 46 की बात करें, सर ये कहां लिखा है? लिखा है कहीं पर? हाँ लिखा है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी में लॉग उठा रहा है नालायक, रुको रुको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये फेज उठाएगा फिर, रुको रुको रुको, ये बैक्टीरियल फेज उठा लेगा मुझे पक्का लग रहा है। हाँ तो ये देखो दिख गया ना, चलो मैं दिखा रहा हूं, वेट, ठीक है। द सेल कैन बी ऑल्सो मल्टीप्लाई इन अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर, है ना, यूज टू ड्रेन आउट द दिस 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 वगैरह वगैरह, जो कहानियां लंबी सी हैं। मोस्ट किसमें होती हैं ऐसी चीजें? एक्टिवली लॉग फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज में, ठीक है ना। ये कहानी आपको लिख गई, मिल गई, बस हमारा काम बन गया। तो 46 का आंसर क्या हो गया? लॉग। बायोरिएक्टर हैव, बायोरिएक्टर की बातें कर रहे हैं, फोम कंट्रोलर, ऑक्सीजन डिलीवरी, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, आंसर विल बी ऑल, आंसर विल बी व्हाट? ऑल, बिल्कुल क्लियर, डन। 48 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डन विथ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी? प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई व्हाट? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको याद रखना होगा, प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल ठीक। फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल, बिल्कुल ठीक। क्लिनिकल ट्रायल के बिना, जैसे नहीं अब कोरोना की वैक्सीन आ रही तो दे आर अंडर क्लिनिकल ट्रायल, ऐसी बातें कर सकते हैं, हालांकि कई कई जगहों पर अप्रूव हो गई फाइनली।
स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज डन, ये भी जरूरी है, तो आंसर 48 का आंसर डी आ जाएगा। वंडरफुल बच्चों, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, आपको जो मैंने कल ट्रिक करवाई थी उसकी पीडीएफ सबको मिल गई ना, उसको जरूर याद कर लेना सारा। 49 की बात करें, हालांकि वो छोटा सा नोट से आप नोट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज अनडाइजेस्टेड बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन दिस डायग्राम। क्या पूछा? अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। तो देखो आंसर, फर्स्ट में कोई भी चीज डाइजेस्ट हुई ही नहीं, एकदम सीधा सीधा रखा हुआ। दिख गया? दिख गया 49 का आंसर क्या है बच्चे? 49 का आंसर बिल्कुल क्लियर। और आज का आखिरी का क्वेश्चन, आरडीएनए इज आ 50 की बात कर रहे हैं, तो आरडीएनए का ही दूसरा नाम होता है क्या बच्चों? आरडीएनए का दूसरा नाम काइमेरिक डीएनए। हाइब्रिड डीएनए आरएनए नहीं है, अगर सिर्फ डीएनए होता तो मैं मान लेता, या फिर रिकॉम्बिनेंट ऑफ वेक्टर डीएनए एंड डिजायरेबल जीन। आंसर विल बी ए एंड सी बोथ, आंसर विल बी डी। ठीक है, डन, समझ गए मेरी बातें बिल्कुल क्लियर फॉर्म में। यहां से जो चीजें ना समझ में आ, उसके नोट्स बना लो, ठीक है, नोट्स बना लो, एनसीईआरटी में हाईलाइट करा लो, बातों को समझ रहे हो, और मेरी स्पेशल क्लासेस में आ जाओ, तुमको ये सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। कई बार मैं इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करता हूं वहां पर, है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बट हाँ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रिपीट करता हूँ, तो तुमको वहां से क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो स्पेशल क्लास में आना जरूरी है। उस स्पेशल क्लास का लिंक तुमको कहां पर मिलता है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है, दिस इज अन अकेडमी नीट प्रो, इस पर तुमको उसका लिंक मिल जाएगा। डेली जो मेरी क्लासेस होती हैं फॉलो करो उसको, रेगुलर आओ क्लासेस में, प्रैक्टिस करो, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप में यही तो फायदा होता है कि तुम वहां से डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, तो तुम्हारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। बट उसके लिए तुमको रेगुलरली, इसी बहाने पढ़ाई हो रही है बच्चों, इस बात को समझना। तो मेरी एक भी स्पेशल क्लास मिस नहीं होना है, इस बात को समझ लो। कैसे मुझे फाइंड आउट करोगे? अनअकैडमी पर, अनअकैडमी पर जाओ, है ना, और क्या करना है, ये वाला कोड देखना, मतलब ये इस नाम से मुझे सर्च करोगे। वैसे तो पूरा नाम लिख सकते हो अनुराग तिवारी, या फिर सीधा क्या एटी सर सर्च कर लो मुझे। जैसे ही मैं अकेडमी पर मिल जाऊं, मेरी जितनी क्लासेस हैं वो सीक्वेंस में ही हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, और उसका पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे करके पूरी सीक्वेंस में है। आने वाले 14th ऑफ दिसंबर से लेकर पिछले 4 5 6 महीनों तक सारे जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस हुए हैं, तुम उनकी पीडीएफ डाउनलोड करो, उनकी प्रैक्टिस करो, इनफैक्ट उसकी वीडियो सॉल्यूशंस जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको भी देखो, है ना, और कभी अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस को देखने में तुमको कोड मांगे कभी, तो यही एटी सर कोड भी है, ये अपने आप में एक कोड भी है, इसी के थ्रू तुम मुझे अनअकैडमी पर सर्च भी कर सकते हो, तो ये इतने फायदे वाली चीज है। एंड जब भी प्लस पर आना हो, यही कोड यूज कर लोगे तो तुमको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं, क्यों? क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी प्लस पर आने के बाद, या आइकॉनिक पर आने के बाद। ये तो सिस्टम जुगाड़ू हो गया ना, वहां पर तो हर चीज तुमको सिस्टमेटिक मिलती जा रही है। तो सुकून से पढ़ो, हार्डवर्क करो, और मैं बहुत से डीपीपीज और ऐसी चीजें भी भेजता रहता हूँ, तो गो एंड फॉलो दैट प्रोफाइल जो टेलीग्राम पर है और इस पर, ठीक है ना। तो आज के लिए गुड नाइट, कल मॉर्निंग में मिलेंगे 8:30, है ना, शाम मॉर्निंग में, और टॉपिक आपको ऑलरेडी मैंने भेज रखा है कहाँ पर, टेलीग्राम पर। बाय एंड गुड नाइट। कल शाम को मैराथन है, आप सबको पता है, 6 बजे, टाइम से आ जाना। बाय बच्चों, एंड गुड नाइट। बाय बाय।